की स्ट्रक्चर थी ना, ये तो बच गया। नीचे की जो स्ट्रक्चर थी वो लकड़ी का था, वो पूरा ख़त्म हो गया। और इनको चलाने वाले जो भी लोग थे वो भी सब ख़त्म हो गए थे उस टाइम। देख रहे हैं, ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप जो कि जयगढ़ फोर्ट के अंदर रखी हुई है। इसका ऑल ओवर अगर आपको वजन में बताऊँ तो 250 टन की है। और इसका ये जो मेन जो स्ट्रक्चर है जो फेंकती है ना गोला, उसका इस तोप को जब पहली बार चलाया गया था तो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जाके इसका जो गोला था वो गिरा था, उस गांव चाकसू जगह गांव था उसमें जाके गिरा था। और तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम है जयवान तोप। और इसको जवाई मानसिंह द्वारा, द्वितीय के द्वारा इसको बनाया गया था। इस तोप को एक बार खाली टेस्टिंग के पर्पज से ही यूज़ किया था, उसके बाद इसको कभी चलाया नहीं गया था। इसका अगर मैं आपको ऑल ओवर वजन बताऊँ तो 250 टन इसका ऑल ओवर का वेट है। और जो ये आप देख सकते हैं, ये जो नली है ना इसकी, इसका 50 टन वेट है। और इसको बनाने के लिए, इसको खाली बनाने के लिए 7 मेटल का यूज़ किया था, जैसे सोना है, कॉपर है, तांबा है, मेटल है, सब करके 7 टाइप का इसके अंदर मेटल डाला गया था। और इसको स्ट्रक्चर को बनाने में अगर आप देखेंगे तो आगे है ना ये हिंदू स्तंभ को प्रपोज कर रहा और पीछे मुगल टाइप की स्ट्रक्चर बनाई हुई, तो इन दोनों ने मिलकर बनाया था। और इसको जयमान सिंह ने अपने किले की रक्षा के लिए बनवाया था। और इसको एक बार यूज़ किया गया था, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक गांव है चाकसू, वहाँ पर इसको जब यूज़ किया तो इसका गोला वहाँ पर गिरा था और वहाँ पे तालाब बन गया था जो आज भी है वहाँ पे। और इसको यूज़ करने के लिए जो चीज़ चाहिए, 100 किलो बारूद चाहिए और एक 50 किलो का इसका मेटल का जो गोला होता है वो आगे रखते हैं, उसके पीछे इसको उस बारूद को डालते हैं, उसके बाद इसको यूज़ किया गया था। ये उसके बाद बनाया गया पूरा, और ये खाली उस टाइम की है। इसको 350 साल हो गए हैं, 350 साल पुरानी है ये। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर वापस बनाई गई 1820 में, और ये जो है ये बनाई गई थी 1720 में, 100 साल बाद इसको वापस इस स्ट्रक्चर को असेंबल करके फिर यहाँ पर लाए हैं, सब पार्ट को यहाँ पर लाए, इसके बाद फिर यहाँ पर इसको असेंबल किया है, जो कि उसके बाद यहीं पर रखी हुई है जयगढ़ किले के अंदर। और इसकी खासियत बता दूं तो इसको एक बार ही यूज़ किया गया था, उसके बाद कभी इसको यूज़ किया नहीं। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये एरिया है बिल्कुल इसी के लिए बनाया गया है, और इसी डायरेक्शन में ये पहले ही थी जो अब भी उसी डायरेक्शन में है। और इसके ऊपर ये आप क्लिप देख सकते हैं, ये एक क्लिप का वेट है 80 kg। ऐसे 2 क्लिप हैं, जब इसको यूज़ करने के लिए लाया तब इसको उठा के इस तरफ यहाँ पर रखा था, उसके बाद फिर यूज़ किया था। तो आप देख सकते हैं इसको, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है। उसके बाद ये जयगढ़ फोर्ट के अंदर ही पड़ी है, कभी यूज़ नहीं किया, एक बार यूज़ किया था। जब यूज़ किया था इसका गोला 35 किलोमीटर दूर गिरा था, लेकिन उस गोले से जो इसकी नीचे की स्ट्रक्चर थी ना, ये तो बच गया। नीचे की जो स्ट्रक्चर थी वो लकड़ी का था, वो पूरा ख़त्म हो गया। और इनको चलाने वाले जो भी लोग थे वो भी सब ख़त्म हो गए थे उस टाइम, पूरे सब मर गए थे। तो आप चारों तरफ अगर देखेंगे, उसके बाद जहाँ पर इसके पीछे एक पानी का कुआं टाइप था उसके अंदर लोगों को बोला, क्योंकि सब जल रहे थे तो उनको उसके अंदर डाला, फिर भी कोई नहीं बचा बहुत ज़्यादा। और यहाँ का एरिया है ना पूरा, वो एक बार पूरा हिल गया था क्योंकि इसके अंदर इतना पावर था। ये चारों तरफ लोग आते हैं इनको देखने के लिए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है। इसको जयसिंह द्वितीय ने इसको बनाया था, जो कि खुद की इस फोर्ट की रक्षा के लिए बनाया था, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया। एक बार ट्रायल किया, उसके बाद कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि उसके बाद जो इसका ये नीचे का पहिया ये पूरी थी ना, वो पूरी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर वापस इसको अभी बनाया, 100 साल बाद बनाया, अब ये पूरा मेटल का बनाया हुआ है। इसकी अगर मैं आपको लंबाई बताऊँ तो ये 9 फिट का है, इसका जो बड़ा वाला पहिया है ये 9 फिट का है, और उसका छोटा वाला पहिया आप देखेंगे तो उसका वो 4 फिट का पहिया है। इसकी अगर डायरेक्शन चेंज करनी होती थी ना तो ये चारों पहियों को साथ में घुमाकर तो ही डायरेक्शन चेंज हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती इसकी डायरेक्शन चेंज। और यहाँ से ये देख सकते हैं, इस तरफ से ये है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से बारूद डाला गया था, पहले उसको गोले को डालते हैं, उसके बाद फिर 100 kg बारूद को डाल के उसके बाद फिर इसको विस्फोट किया गया था, जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक चाकसू गाँव है वहाँ पर जाके इसका गोला गिरा था और वहाँ पर एक तालाब बन गया था। तो यही एक इसकी सबसे बड़ी खासियत है, लोग यहाँ पर इसीलिए देखने आते हैं इसको। और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है, और इसका बुक में भी पूरा बताया गया डिटेल से। तो कैसा लगा वीडियो आपको? वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो फॉलो ज़रूर कर देना, आपको और वीडियो में बताता हूँ।
तब तक के लिए बाय बाय।